तो ऑनर इंडिया में फाइनली और ऑफिशियली वापस आ रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक अच्छा ब्रांड कंपटीशन में आता है तो एंड में फायदा हम यूजर्स का ही होता है। और जिन्हें पता है उन्हें पता है कि ऑनर कितने कमाल की प्राइसिंग में कितने कमाल के फोन दिया करता था। लेकिन जिस ऑनर को हम जानते हैं ये शायद वो ऑनर नहीं है, क्योंकि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इंडिया में कमबैक करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन के साथ, ब्रांड आइडेंटिटी। ऑनर आपको क्यों याद है? बेस्ट प्राइस के अंदर बेस्ट कैमरा दिया करता था। ऑनर 8X 15,000 के अंदर बेस्ट फोन था। ऑनर 10 30,000 के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैगशिप किलर टाइप का फोन था। लेकिन ये ऑनर वो वाली वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो वैल्यू देने की ताकत उसको मिलती थी हुआवे से। हुआवे जाना जाता था अपने इनोवेशन के लिए। जहां एप्पल और सैमसंग हर साल अपने R&D में $18 बिलियन खर्च करते हैं, वहीं पर हुआवे हर साल $22 बिलियन खर्च करता है। और उसी का रिजल्ट है इस तरह की हेडलाइंस हमें देखने को मिलती है। हुआवे P20 Pro दुनिया का पहला ट्रिपल कैमरा वाला फोन। हुआवे नोवा 4 दुनिया का पहला पंच होल कैमरा वाला फोन। 2 महीने पहले तक हुआवे का मेट X3 दुनिया का सबसे पतला फोल्डिंग फोन था विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। और थोड़ी पुरानी होने के बाद ये सारी टेक्नोलॉजी हुआवे ऑनर को दे देता था, जिसकी वजह से ऑनर हमें सस्ते दाम के अंदर एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देता था। यह है एक रीजन ऑनर के कम प्राइस के अंदर एक्साइटिंग फोन देने का। कम प्राइस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने का सबसे बड़ा रीजन है किरिन प्रोसेसर, जो हुआवे बनाता था। और किरिन प्रोसेसर ने वो काम कर दिया था जो सैमसंग का एक्सिनोस आज तक नहीं कर पा रहा है। एप्पल, क्वालकॉम और मीडियाटेक के बाद हुआवे का किरिन चिपसेट ही ऐसा चिपसेट है जो पावरफुल परफॉर्मेंस देने के साथ साथ गर्म नहीं होता जैसे एक्सिनोस हो जाता है। और इसी किरिन प्रोसेसर की वजह से हमें परफॉर्मेंस वाले फोन सस्ते में मिला करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर शाओमी को स्नैपड्रैगन 820 वाला फोन हमें देना है तो वो 820 को खरीदेगा $100 में, लेकिन ऑनर सेम परफॉर्मेंस हमें किरिन चिपसेट के साथ दे सकता है और उसे हुआवे को केवल $60 देने पड़ेंगे। तो घर की कंपनी होने की वजह से हमें एक अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ऑनर के फोन में मिला करता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑनर हुआवे से अलग हो चुका है। और इसी वजह से ऑनर की ये आइडेंटिटी अब हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ए, जो प्रोसेसर का पैसा बाकी ब्रांड दे रहे हैं अब उतना ही पैसा ऑनर को भी देना पड़ेगा, और बी, जो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी हुआवे की ऑनर को मिला करती थी उसका यूज करके अब ऑनर अपने फोन को भीड़ से अलग नहीं कर पाएगा। और इसका रिजल्ट हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऑनर 50 और हुआवे का नोवा 9 दोनों एग्जैक्टली सेम फोन है, लेकिन क्योंकि हुआवे अपने R&D में इतना इन्वेस्ट करता है कि उसका एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो गया है कि सेम फोन होने के बावजूद भी आप फोटोज के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। प्लस ऑनर को हम एक सस्ता ब्रांड समझते थे और हुआवे को महंगा, लेकिन अब केस बिल्कुल उल्टा हो चुका है। हुआवे 50 नोवा 9 से बेकार फोटोज लेता है और उसके 4 महीने बाद लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्यादा महंगा है। इवन राकेश भैया ने इनके ऑनर 50 प्रो को रिव्यू कर रहा था जो इनका फ्लैगशिप फोन था, वहां पर उनका फोन और उसके कैमरा के साथ एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था, जबकि ऑनर के कैमराज उसकी USP हुआ करता था। चलो पुरानी बातों को जाने देते हैं, नई की बात करते हैं। ऑनर 90 अभी ऑनर का सबसे फेमस फोन है और शायद वही इंडिया में भी आएगा। उसी प्राइस के अंदर अगर हम हुआवे का फोन लेते हैं नोवा 11, तो इन दोनों फोन में देखा जाए तो हार्डवेयर ऑनर में अच्छा है, लेकिन फिर भी फोटोज हमें नोवा 11 की ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इससे ये बात साबित होती है कि बिना हुआवे के ऑनर इज जस्ट अनदर स्मार्टफोन ब्रांड। अब अगर हम सिर्फ नंबर्स को देखें तो वहां पर ऑनर की ग्रोथ बहुत तगड़ी है, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना, कहीं पर 8 गुना ग्रोथ है। 8% नहीं, 800% ग्रोथ। लेकिन ये नंबर सिर्फ दिखने में ज्यादा है, इतने फोन बिक नहीं रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बाकी सारे ब्रांड्स का हाल इंडिया में बहुत बेकार है, लेकिन लावा का ग्रोथ 53% है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रियलमी या सैमसंग से ज्यादा फोन्स बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले उसके फोन बहुत कम बिका करते थे, अब थोड़े बिकने लगे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ ज्यादा हुई है। इसीलिए इंडिया में जब ऑनर अपनी एंट्री करेगा तो किस यूजर को टारगेट करना है ये सेलेक्ट करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अभी ऑनर यूरोप में 3-tier स्ट्रेटेजी के साथ अपना काम कर रहा है। फ्लैगशिप, जहां पर उसकी मैजिक सीरीज आती है, मिड रेंज, जहां पर उसकी नंबर सीरीज आती है, और बजट, जहां पर एक्स सीरीज है। अब इंडिया में फ्लैगशिप में घुसने की कोशिश सबने कर ली, वीवो, शाओमी, ओप्पो, टेक्नो सब ने, लेकिन उस सेगमेंट में सैमसंग, एप्पल और वन प्लस को छू पाना भी बहुत मुश्किल। तो ऑनर की फ्लैगशिप मैजिक सीरीज मुझे इंडिया में आती हुई तो नहीं दिख रही। अब रही बात बजट सीरीज की, तो वहां पर 20-30 हजार वाला सेगमेंट 33% से और 10-20 हजार वाला सेगमेंट 34% से नीचे गिर रहा है। और ऑनर ने अभी जो टीजर निकाला है वहां पर उसने हर वर्ड को जो एक्सप्लेन करा है, उस एक्सप्लेनेशन में किसी भी वर्ड के अंदर मुझे अफोर्डेबिलिटी नहीं दिखी, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो भी इस डूबती हुई नाव के अंदर तो नहीं आने वाला। तो अब बच जाता है हमारा मिड रेंज, जो कि एक सेंस भी बनाता है और अभी इंडिया में इसकी बाढ़ आई हुई है। अभी इंडिया में 30-45 हजार वाले फोन में 60%
और 45,000 से ऊपर वाले फोन में 66% की ग्रोथ हुई है। और सिर्फ इसी क्वार्टर में इस प्रीमियम सेगमेंट के अंदर 112% की ग्रोथ हुई है। और इसी डेटा को देखते हुए Realme ने अपनी GT सीरीज के साथ इस प्राइस में घुसने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गया। वहीं बाकी जो ब्रांड है वहां पर Samsung को छोड़कर बाकी किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी। iQOO इस प्राइस रेंज में बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देता है। OnePlus और Apple की ग्रोथ को देख के ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस सेगमेंट में उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। Nothing ने अपना अलग यूजर बेस बना रखा है। क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की जिम्मेदारी Motorola ने उठा रखी है विद गुड स्पेसिफिकेशंस अगर किसी को चाहिए तो। डिजाइन और कैमरा को Vivo ने हैंडल कर रखा है। तो 30,000 से ऊपर की प्राइस सेगमेंट में ऐसा कोई भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं दिख रहा जो Honor को मार्केट में अपनी इमेज बनाकर स्टेब्लिश करवा सके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया Honor 90 शायद इंडिया में आ सकता है, जो इनका सबसे फेमस फोन है आज के टाइम में, और उसकी स्पेसिफिकेशन देख के लगता है कि वो 30-35,000 रुपए के आसपास ही आएगा विद Snapdragon 7 Gen 1, जबकि 34,000 के अंदर Neo 7 Pro के अंदर हमें Snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलता है। अगर किसी को UI से थोड़ी बहुत दिक्कत है या ब्रांड वैल्यू से थोड़ी बहुत दिक्कत है, iQOO समझ में नहीं आता उनके लिए Honor एक बड़ा ब्रांड है, तो सेम प्राइस के अंदर OnePlus Nord 3 बैठा हुआ है। अगर प्रीमियम और डिजाइन चाहिए तो वहां पर OnePlus 11R बैठा हुआ है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर इस कंपटीशन के साथ Honor Snapdragon 7 Gen 1 को कैसे बेचेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस फोन में इसका 200 मेगापिक्सल सिर्फ और सिर्फ इकलौती ऐसी चीज है जो इसे बिकवा सकती है। 200 मेगापिक्सल नंबर की वजह से नहीं, ये एक्चुअली में अच्छी फोटोज लेता है, लेकिन इसके अंदर हमें OIS देखने को नहीं मिलता, जिसकी कमी लो लाइट होते ही हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो एट दी एंड Honor के साथ दो में से एक चीजें होंगी, या तो वो किसी एक ब्रांड को कम्प्लीटली रिप्लेस करके उसका पूरा मार्केट खा जाएगा, या फिर वो मार्केट में 2-3% का हिस्सा लेकर खुश रहेगा। मार्केट में किसी को रिप्लेस ना कर पाने के तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर ये किसी को रिप्लेस कर पाएगा तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा द माधव सेठ इफेक्ट। इस इंसान ने दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बनाया है, तो डेफिनेटली कंपटीशन को इनसे डरने की जरूरत है। हाँ, अभी तक इन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन अपने ऑनलाइन कर्मों से ये चीख चीख कर बता दिया है कि भैया ये Honor का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे Honor के इवेंट में जाना हो, चाहे अपने बायो में ये लाइन लिखनी हो जो Honor के ब्रांड नेम से लिया गया है, या फिर Honor के टीजर को प्रमोट करना हो, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म समझो कि माधव सेठ Honor में घुस चुके हैं। अगर Honor बजट सेगमेंट में जीतना चाहता है तो उसे Redmi या Realme इन दोनों में से एक ब्रांड को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। Redmi को रिप्लेस करना Honor के लिए थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि Redmi की पिछली 3 सीरीज ने मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं डाला है, और उसके सॉफ्टवेयर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आने की वजह से अब लोग Redmi का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और माधव सेठ इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। और अगर Honor Realme को रिप्लेस करना चाहता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम तो होगा, लेकिन क्योंकि माधव सेठ को Realme का ऊपर नीचे आगे पीछे का सब कुछ पता है, तो वो इस काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं। प्लस वो अकेले Realme छोड़कर नहीं आए हैं, वो अपने साथ 15 और बड़े ऑफिशियल्स को लेकर आए हैं जो Realme में ही थे। तो मतलब पूरी जो कोर टीम थी Realme की वो अभी Honor के अंदर आ चुकी है। लेकिन Honor की ये स्ट्रेंथ उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर माधव सेठ अपनी उसी स्ट्रेटेजी पर काम करते रहेंगे जो उन्होंने Realme के साथ अपनाई थी, क्योंकि अब वो चीज काम करना बंद कर चुकी है, और ये हमें नंबर्स में भी दिखा है। माधव सेठ ने Realme को अभी छोड़ा है, लेकिन Realme का जो डाउनफॉल है वो एक साल पहले से शुरू हो चुका है, और अब तक वो अपना मार्केट का 30% खो चुका है। तो माधव सेठ और उनकी टीम इस नई कंपनी में नए तरीके से कैसे काम करती है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगली बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर। यहाँ दो दिक्कतें हैं। पहला, अपडेट का प्रॉमिस भी कम है और उसका टाइमिंग भी खराब है। जैसे आज हमने एनालाइज करा कि Honor शायद मिड रेंज के अंदर ही अपने फोन को प्लेस करेगा, तो मिड रेंज के अंदर Samsung ने अपने हार्डवेयर की तो धजिया उड़ा रखी है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर मिड रेंज में भी वो 4 साल का अपडेट प्रॉमिस करता है, OnePlus और Nothing 3 साल का, और ये तीनों ब्रांड्स बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट्स डिलीवर भी कर रहे हैं। लेकिन Honor केवल अपने मैजिक सीरीज के अंदर जो उनकी फ्लैगशिप सीरीज है उसमें ही केवल 3 साल का अपडेट प्रॉमिस करता है, बाकियों में सिर्फ 2 साल का, और ये तो तब है जब इनका पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा है। मान लो जब इंडिया में आने के बाद ये 20 फोन लॉन्च कर चुके होंगे तब ये अपडेट कैसे देंगे, और प्लस इनके अपडेट देने की टाइमिंग भी बहुत खराब है। हाँ, अगर ये लोग 30,000 से अंदर खेलना चाहते हैं तब 2 साल के अपडेट प्रॉमिस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर के साथ दूसरी दिक्कत है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। 49% एंड्रॉइड यूजर्स आईफोन पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शिफ्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आईफोन ज्यादा सेफ और सिक्योर है। और ये मेरी आपकी तरह टेक नर्ड्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन प्राइवेसी इज अ मिथ। ऑनलाइन अगर आप रहोगे तो प्राइवेसी भूल ही जाओ, और यही वो यूजर्स हैं जिनकी वजह से Vivo का मार्केट शेयर Samsung से भी ज्यादा हो चुका है। तो क्योंकि Huawei का नाम पहले से ही खराब हो चुका है और Honor और Huawei दोनों को लोग एक ही ब्रांड की तरह से देखते थे, तो Honor का नाम ऑटोमेटिकली Huawei के साथ जोड़ा जाएगा ही, भले ही वो कितना अलग हो जाए, लेकिन लोगों को शक अब भी रहेगा, और उसका असर हमें ऐसे कमेंट्स में भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब ऐसा भी नहीं है कि Honor इंडिया में आएगा और आते ही बर्बाद हो जाएगा, या फिर उसके आने से हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज मुझे Honor की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने Honor 90 को ऐसे बनाया है जहां पर
प्रोसेसर उनका मेन फोकस बिल्कुल नहीं था। जनरली जितने भी मिड रेंज फोन होते हैं वहां पर कंपनी पहले ये देखती है कि प्रोसेसर कैसे बेस्ट से बेस्ट दे पाए। अब बेस्ट प्रोसेसर देंगे तो वो महंगा भी रहेगा, और महंगा प्रोसेसर लेने के बाद इतने पैसे नहीं बच जाते कि फोन को मिड रेंज भी बनाया जा सके और बाकी चीजों को अच्छा दिया जा सके। इसी वजह से वो लोग बाकी चीजें बस ऐसे दे देते हैं कि हाँ काम चल जाए। लेकिन ऑनर ने इसका बिल्कुल उल्टा करा है। उसने पहले डिस्प्ले, डिजाइन और कैमरा को बहुत अच्छा चूज कर लिया, वहां पर अच्छे पैसे स्पेंड कर दिए, उसके बाद जो पैसे बचे वहां पर देखा गया कि कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट रहेगा ताकि फोन मिड रेंज में भी रहे और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दे दे। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए ये फोन बहुत अच्छा सेंस बना सकता है। जस्ट लाइक ओप्पो एंड वीवो, सेम स्ट्रेटेजी अपनाकर वीवो आज सैमसंग से भी ऊपर जा चुका है। सेकंड, मैंने बता ही दिया है कि एक नए ब्रांड के आने से कंपटीशन में हम यूजर्स का ही फायदा होगा। प्राइसेस शायद हमें कम होते हुए देखने को ना मिले, लेकिन उसी प्राइस के अंदर एक अच्छा फोन हमें देखने को मिल सकता है हर ब्रांड। बाकी इस फोन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। लगभग एक महीना होने वाला है, तो इसका रिव्यू की जगह मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।